चार से लेके साढ़े चार फुट तक भी बर्फ़ हुआ है तो अभी भी बर्फबारी चल रहा है वहाँ पे आज सुबह भी लाइट स्नोफॉल चल रहा है तो इसी तरह रियासत के हर जगह पे बीट लद्दाख लद्दाख में भी तकरीबन तीन से लेके चार इंच तक स्नोफॉल हुआ है तो अभी तो खैर वहाँ पर कंडीशन रहा पड़ा है, है लेकिन अभी बर्फबारी रुखा है तो इसी तरह मतलब रियासत के बहुत जम्मू कश्मीर एस वेल ए लद्दाख में पहाड़ी इलाकों में बर्फ और अच्छी बर्फ़ हुआ है और मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश हुआ है क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द एरिया में बर्फ़ या बारिश रुका हुआ है हालांकि हर जगह बादल छाए हुए हैं तो आने वाले दिनों में आ, आ, आने वाले दिनों में मौसम में तो तब्दीले आ जाएंगे तो एक दो दिन में यानी कि आज इक्कीस है बीस और इक्कीस बाईस और अपू ट्वेंटी थर्ड मौसम अमूमा ठीक रहेगा बर्फ़ नहीं होगा बारिश नहीं होगा हालांकि एक दो जगह पे बर्फ़ और बारिश हो भी सकते हैं लेकिन ज़्यादा कोई स्नोफॉल होने का इम्कान नहीं है तो लेकिन चौबीस पच्चीस और छब्बीस को अगेन एक स्पेल ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रॉ डब्ल्यू डी अप्रोच कर रहा है जिसकी वजह से इन दिनों यानी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स को हायर रिचेज में स्नोफॉल अच्छी स्नोफॉल यानी हेवी स्नोफॉल होंगे और मैदान इलाकों में मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल का इम्कान है तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि 25 या 26 तारीख तक मौसम बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा 26 के बाद जो है फिर लोगों को राहत मिलेगा पावर्ड बाई एन